ভাটপাড়া পৌরসভার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের করা একটি গ্যাচুইটি সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট জানিয়েছে পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভার প্রশাসনিক কর্তাদের ভাতা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে। এবার আরও এক ধাপে গিয়ে নতুন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ভাটপাড়া পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর জ্যোতি পাণ্ডে। কাউন্সিলর হিসেবে তার সাম্মানিক ভাতার যাবতীয় টাকা তিনি ফেরত দিতে পুরসভায় আসেন। প্রথমে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের ঘরে যান তিনি, সেখান থেকে তিনি যান চেয়ারম্যানের রেবার রাহার কাছে। যদিও তার সিদ্ধান্ত মানতে চাননি চেয়ারপারসন, তিনি জানান পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। গোটা বিষয় নিয়ে কাউন্সিলর জ্যোতি পাণ্ডে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারিশ্রমিক ছাড়াই সাধারণের সেবা করেন, তাই আমিও বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ऐसा कुछ नहीं, चेयरमैन जो है वो मतलब एक्सेप्ट अभी नहीं किए हैं, बोले हैं कि अभी हम लोग निर्णय लेंगे बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद बताएंगे। तो इसलिए मैं जो हूँ, ये जो भी हम लोग को मिलता है तनख्वाह, जो भी मिलता है वो मैं नहीं लूँगी आगे, और जो मुझे मिला था वो मैं लेकर के आई थी रिटर्न करने के लिए। लेकिन चेयरमैन जो है, कितना मिलता है आप लोग महीना? 10,000 रुपये महीना। कितने महीने मतलब काउंसिलर बनने के बाद आप कितना महीना? ये 10 महीना हुआ है, देख लीजिए, 1,09,839 रुपया है। ये जो है मैं PNR और बाई पोस्ट मैं जो हूँ कल सुबह ये भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी को ये कर दूँगी वापस। कौन सा फंड में आप रिटर्न करेंगे? ये जो भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी जिस तरह से ममता बनर्जी कार्य करती हैं पब्लिक के लिए, उसी तरह मैं गरीब आदमी के लिए कार्य करने के लिए खड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे किसी तरह कोई अनुदान नहीं चाहिए। अच्छा, एक और जो पेंशन धारक है जिन्हें पेंशन की आवश्यकता या सफाई कर्मचारी जो है आंदोलन करते हैं, क्या उन लोगों को जो सैलरी नहीं मिल रहा है इसको लेकर के आपने? हाँ, इसीलिए मैं की हूँ। हो सकता है कि आगे भी सभी काउंसलर का ऐसा निर्णय हो जो हम लोग सब मिल करके कार्य कर सके, ठीक है। ये हम लोग को बोर्ड मीटिंग में निर्णय होने के बाद पता चलेगा। बात होने के बाद क्या जानकारी मिली? चेयरमैन का बोलना है कि अभी ये मैं रिसीव नहीं करूँगी, क्योंकि आपके देने से तो सिर्फ नहीं होगा ना, तो सब मिलकर डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही ना कुछ होगा, आगे वो प्रोसेस में लगी हुई हैं। ये तो आपका व्यक्तिगत डिसीजन था, तो हाँ। इसमें तो एक्सेप्ट जो है कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपका व्यक्तिगत नहीं। उनका बोलना है कि 35 वार्ड है हम लोग का, तो 35 काउंसलर में एक काउंसलर से लेकर के तो कार्य नहीं कर सकती ना, इसलिए सभी से बात करने के बाद जैसा होगा वैसा डिसीजन लेने के बाद ही कुछ करेंगे। अच्छा, आपके करने से क्या सभी लोग करेंगे ऐसा मतलब लग रहा है? हो सकता है करे। ভাটপাড়া থেকে হিমাদ্রি শেখর ভট্ট, রিপোর্ট চ্যানেল 24/7।